बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इमली और खजूर की चटनी, जिसके लिए मैंने ये एक प्याली इमली ली है और इसके हाफ क्वांटिटी में मैंने ये खजूर ली है गूदे वाली। इसमें हम डालेंगे नमक हसबे ज़ायका, ये अदरक पाउडर है हाफ टी स्पून डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें एक टी स्पून डालेंगे और इसमें हम गुड़ डालेंगे जो मैंने पीस के रख लिया। आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले ये करना है कि एक बोल में ये इमली जो हमने ली है इसको हम डाल देंगे और ये खजूरें इसमें डाल के, इसमें मैं गर्म पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए गर्म पानी में हमने भिगोए थे, सब इमली और खजूर नरम पड़ गए। अब देखें इस तरह से ये जो है ना खजूर के और इमली के सीड्स हमें निकाल देने हैं और उसके बाद हम तमाम जब ये सीड्स निकल जाएंगे तो इसको ब्लेंडर में डाल के और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद इसे कुक करेंगे। ये इमली और खजूर को जो है वो मैंने सारे सीड्स निकालने के बाद एक ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था, अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च भर के, और उसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून अदरक पाउडर जिसे आप लोग सौंठ भी कहते हैं, और इसमें नमक जाएगा हसबे ज़ायका, और इसमें हम डाल रहे हैं गुड़। ये गुड़ मैंने पीस के रख लिया था, ये तम बिल्कुल वो मैश हुआ हुआ है गुड़ जो है ना ये डाल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि स्पाइसेस ज़्यादा रखने हैं, मिर्चें ज़्यादा होनी चाहिए तो आप वो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक टी स्पून जो है वो डाली है मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा रखनी है आप ज़्यादा रख लें, गुड़ नहीं डालना, आप शक्कर डालें। अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि तमाम चीज़ों का कच्चापन निकल जाए। अच्छा देखें, चटनी जो है वो हमारी कुक हो रही है और नमक मैंने आपको इसमें टू टेस्ट बताया था, लेकिन नॉर्मली जो हम नमक सालन वगैरह में डालते हैं उससे ज़्यादा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि नमक इसमें हम डालेंगे इमली की खटास को ख़त्म करने के लिए। बस ये थोड़ी सी और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये थोड़ी सी और कुक होगी तो मैं इसे बंद कर दूँगी, क्योंकि ये गाढ़ी होके ठंडी होके गाढ़ी होगी मज़ीद। इसको ज़रूर ट्राई करें, दही बड़ों पे, छोलों पे उसके साथ ये डालकर खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसको आप किसी भी ग्लास जार में भर के फ्रिज में रख लें तो ये आपके काफ़ी दिन चल जाएगी। दही बड़ों की रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें, माश की दाल के दही बड़े जो फ्रोज़न भी मैंने आपको सिखाए थे, बहुत अच्छी रहेगी। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको ठंडी भी हो चुकी है, अब हम इसको किसी ग्लास जार में भर के और फ्रिज में रख लेंगे।